हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जापानी दुनिया की इस सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। और मैंने आज आपके लिए सोचा एक बहुत ही ज़्यादा यूनिक सी चीज़ जो जापान के अलावा कहीं और नहीं मिलती है, उसका वीडियो बनाने का, जिसको हम सुशी बोलते हैं। तो आप लोगों ने सुशी सुनी होगी। काफ़ी मेरे फ्रेंड्स मुझसे पूछते हैं कॉल पर कि यार सुशी होती कैसी है, सुमित मुझे वो बताओ, मतलब सुशी क्या है। सुशी मैंने सुना है फिश है। तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं ये सारी चीज़ें ऐसे कॉल पे नहीं बताऊंगा और ऐसे एक्सप्लेन नहीं करूंगा। मैं आपको उसका लाइव वीडियो दिखाऊंगा कि वो सुशी किसको बोलते हैं। और तो मैं आज एक अपने घर के पास में ही एक 100 येन सुशी बार है, वहाँ आया हूँ, उसका आपको वीडियो दिखाऊंगा और दिखाऊंगा कि वहाँ पे सुशी 100 येन में कितनी अच्छी अच्छी सुशीज मिलती हैं। और ये आप देख सकते हो मेरे पीछे, ये उसका पूरा रेस्टोरेंट है। और इस ये रेस्टोरेंट काफ़ी फेमस है, तो हम लोग इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं कि ये कितनी तरीके की सुशीज प्रोवाइड कराते हैं। और मैंने सुना है ये काफ़ी फेमस है इसमें। तो आज जिस मैं सुशी बार में आया हूँ, इसका नाम है हामा जूशी सुशी 100 येन सुशी बार। तो अंदर चलते हैं और देखते हैं कि ये क्या आज इन लोगों के मेन्यू में है। इनके पास अपना एक टैबलेट सिस्टम रहता है, उसमें ह्यूमन इंट्रैक्शन नहीं होता है। तो आप अपने आकर के यहाँ पे अपना टेबल नंबर लेने के बाद, अब वो टेबल नंबर भी आपको किसी ह्यूमन इंटरेक्शन से नहीं मिलेगा, वो आपको सीधे जा कर के अपने एक मशीन में अपना आप बताएंगे कि कितने लोग हो आप लोग। सिंगल हो तो सिंगल टेबल मिल जाएगी, ज़्यादा लोग हो तो ज़्यादा बड़ी टेबल मिलेगी। तो आप आकर के अपना टेबल नंबर लेकर के अपनी टेबल पे जाइए और टेबल पे बैठ कर के अपने टैबलेट से जो भी टेबल पे होगा उससे आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो उसमें कोई ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं है, सबसे अच्छी बात यह है। तो हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि ये कहाँ से खुला है। मैं ये देख रहा हूँ, ओके यहाँ से खुला है, ठीक है। टेबल हाय, टेबल हाय। तो दोस्तों ये मेरी टेबल है और ये मेरा 55 नंबर है। तो मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ और आप देख सकते हो कि यहाँ पर कितनी तरीके की सॉसेस और बसाबे क्या होता है मैं आपको बताऊँगा। ये एक मस्टर्ड सीड की चटनी बनाते हैं और ये काफ़ी स्पाइसी होती है, जैसे अपना मस्टर्ड सीड होता है। और हमारे पास सोया सॉस है, ये मेरी स्लिप है 55 नंबर की और वो मेरा 55 नंबर का टैबलेट है जिस पे मैं अपने ऑर्डर प्लेस करूँगा। और मेरे सारे ऑर्डर्स यहाँ पे अपने आप आएंगे, यहाँ पे कोई ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं रहेगा। और ये सारी चीज़ें मेरे पास, मेरी सारी सुशी यहाँ पे आएगी और मैं आपको दिखाऊँगा कैसे आती है। और ये मेरी चॉपस्टिक्स रखी हुई है। तो सुशी को चॉपस्टिक से ही खाया जाता है। तो मैंने इसको इंग्लिश में कर लिया है लैंग्वेज, क्योंकि मुझे जापानीज आती नहीं है। इट्स रियली वेरी टफ लैंग्वेज। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सब मेरे पास मेन्यू है ओपन। अब मैं सोच रहा हूँ कि आज मैं मंगाने के लिए स्लैग पैटी टूना है मेरे पास, स्लैग पैटी टूना वसाबे है। और तो मेरा है सैल्मन फेवरेट, तो मैं सैल्मन ऑर्डर करने वाला हूँ। और सैल्मन मैंने कौन सा ऑर्डर करना है, सैल्मन कारपैचियो सैल्मन और सैल्मन स्लाइस ओनियन, नहीं मैं नॉर्मल सैल्मन ओपन कर रहा हूँ। तो ये सारा यहाँ पे गया ना, जैसे आपने इसको टैप किया ये यहाँ पे हो गया। आप इसमें क्वांटिटी दे सकते हो कि कितनी क्वांटिटी, मैंने अभी सिंगल क्वांटिटी ही ली है तो मैंने इसको ऑर्डर कर दिया। ये ऑर्डर प्लेस हो गया, आप देख सकते हो ये अपनी नॉर्मल स्क्रीन पर आ गया। तो मैंने इसको अभी रख देता हूँ। अब मैं आपको दिखाऊँगा कि
यहाँ से जब आएगा तो आपको कैसा दिखेगा? तो जस्ट मैंने अभी शायद 10 सेकंड पहले ही मैंने ऑर्डर किया है, और तो अभी मैंने 10 सेकंड पहले ही ऑर्डर किया है और देखते हैं कितनी जल्दी आता है। आपको दिखेगा मेरी प्लेट, आई थिंक यहाँ आनी चाहिए। जब तक मैं आपको बताता हूँ, ये बसाबे है, आई थिंक इट्स कमिंग। आप देख सकते हैं मेरी रॉ फिश विद राइस, इसी को सुशी बोलते हैं। तो अब मैं बताऊंगा इसको कैसे खाया जाता है। बसाबे लेते हैं, और बसाबे में एक स्पेशल, मैंने आपको बताया था, ये मस्टर्ड चटनी होती है, ये काफ़ी तीखी होती है, बट इसके साथ इसका काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। और मेरी फेवरेट यहाँ पे एक सोया सॉस भी है, विच आई लाइक मोस्ट। ये अभी मैं दूसरा ले लेता हूँ। चॉपस्टिक, तो इसको होल्ड करने का तरीका ऐसा है, इसको ऐसे लेते हैं और इसको आप उनको बसाबे में और सोया सॉस में डिप करके। वेरी यम्मी टेस्ट। तो मैं ट्राई करने वाला हूँ अपना सलमन सुशी विद ओनियन। तो ये ओनियन के स्लाइसेस इस पे डालते हैं कुछ अपनी अलग सॉसेस के साथ में, और मैं ये वही अपनी बसाबी के साथ लूँगा। इसको फोल्ड कर लेता हूँ, डिप करना है। ये जिंजर, तो इन तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा होता है जब भी आप यहाँ पे आएँ। मतलब जापान में आप कहीं भी सुशी खाएंगे आपको अच्छा ही मिलेगा। तो जब भी आप सुशी ट्राई करें उसे बसाबे, सोया सॉस और जिंजर, जो इनकी विनेगर जिंजर होती है, उसके साथ ट्राई करें, वो आपको काफ़ी अच्छा टेस्ट देगा। और अब मैं आपको दिखाता हूँ मेरा दूसरा एवोकाडो सुशी विद सैल्मन, वो कैसी है। अच्छा, तो इन्होंने इस पर थोड़ी सी मेयोनीज़, आई थिंक मेयोनीज़, आप देख सकते हो मेयोनीज़ लगाई हुई है।